है गाइस, तो हम आ चुके हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक पावर बोर्ड की वायरिंग कैसे कर सकते हैं। गाइस, जो हमारे इस पावर बोर्ड है, इसके अंदर हमारा एक फ्यूज़ है, प्लस हमारा जो इंडिकेटर है, एक वन वे स्विच है और एक 5 पिन सॉकेट है। गाइस, पावर बोर्ड वहीं पर यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर थोड़ी हैवी चीज़ें ऑपरेट होती हैं, जैसे हमारे घरों में मिक्सर ऑपरेट होती है, रेफ्रिजरेटर ऑपरेट होता है, या फिर हमारा गीज़र हो या एसी हो। तो इन बड़ी चीज़ों में पावर सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है, तो इनमें हैवी चीज़ें ही यूज़ की जाती हैं। तो गाइस, वहीं पर ये हमारा पावर बोर्ड यूज़ किया जाता है। गाइस, इसमें हमारा जो फ्यूज़ है, उससे ये होगा कि इसके अंदर अगर कभी भी कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो हमारा फ्यूज़ का जो एक वायर रहता है, हमारे फ्यूज़ के अंदर जो एक वायर जुड़ा रहता है, वो वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे कि हमारी घर की बाकी लाइटें सेफ़ हो जाती हैं। और गाइस, इसमें एक इंडिकेटर है जिसमें हमें हमेशा पता चलता रहता है कि इस पावर बोर्ड में पावर आ रही है, यानी करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चलिए गाइस, बिना आपका टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, इसकी वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे न्यूट्रल फेस और अर्थ का पता होना चाहिए। जैसे मेरे पास ये रेड वाला वायर है, ये हमारा फेस वाला वायर है, ये हमारा जो ब्लैक वाला वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, और ये जो ग्रीन वाला है, ये अर्थ का वायर है। गाइस, सबसे पहले हम हमारा फेस वाला वायर लगाएंगे, और हमारा फेस वाला वायर सबसे पहले हमारे फ्यूज़ के पॉइंट पे जाएगा। जैसे हमारा फ्यूज़ है, इसके नीचे वाले पॉइंट पे हम फेस का वायर लगा देंगे। गाइस, सबसे पहले हमारा फेस वायर फ्यूज़ में इसीलिए लगाते हैं ताकि जब भी हमारे पूरे बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो, या फिर हम इससे जो भी चला रहे हैं इक्विपमेंट, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो, तो हमारा फ्यूज़ डिस्कनेक्ट हो जाए। इसीलिए सबसे पहले हम फेस वायर हमारे फ्यूज़ में लगाते हैं। आपने देखा होगा घरों में भी, सबसे पहले जो हमारे मीटर से लाइन आती है वो हमारी MCB में जाती है, ताकि घर में कोई भी शॉर्ट सर्किट हो तो हमारी MCB ट्रिप हो जाए, इससे हमारा मीटर सेफ़ रहता है। उसी तरह हम इसके अंदर सबसे पहले वायर फ्यूज़ में लगाएंगे। और गाइस, अब हम इतने बड़े दो वायर लेंगे और उन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, कुछ इस टाइप से करना है हमें। और हमें फ्यूज़ के ऊपर वाले पॉइंट पे ये दोनों वायर लगा देना है, कुछ इस टाइप से लगा देना है और फुल टाइट कर देना है। गाइस, हमें भी कभी भी इसको लूज़ नहीं छोड़ना है, क्योंकि ज़रा सा भी लूज़ होने पे इस पर स्पार्किंग होती है और शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब हमने जो दो वायर इस पर लगाए थे, उसका एक पॉइंट हम हमारे वन वे स्विच के ऊपर दे देंगे, नीचे साइड में, कुछ इस टाइप से। हम एक वायर इसमें लगा देंगे, यानी हमारे वन वे स्विच पे फेस जा चुका है, और उसका जो दूसरा वाला पॉइंट है वो हम देंगे हमारी इंडिकेटर पे, जिसमें ये पता चलेगा कि पावर बोर्ड में पावर है या नहीं है। देखिए, हमने इंडिकेटर पे पावर भी फ्यूज़ से होते हुए दिया है, यानी अगर कभी भी फ्यूज़ डिस्कनेक्ट हो या कुछ शॉर्ट सर्किट हो, तो हमारा इंडिकेटर बंद हो जाए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा फ्यूज़ डिस्कनेक्ट हो चुका है या फिर कहीं और भी कुछ प्रॉब्लम है। एक वायर हमने इसमें लगा दिया है और एक वायर इसमें लगा दिया है, यानी हमारा जो फेस है वो यहाँ से फ्यूज़ में गया है, और फ्यूज़ से होते हुए एक इंडिकेटर में गया है और एक हमारा वन वे स्विच पे गया है। अब गाइस, हमें एक इतना बड़ा टुकड़ा लेना पड़ेगा और उसको हम लगाएंगे हमारे वन वे स्विच के ऊपर वाली साइड पे, यानी सेकेंड वाली साइड पे। एक वायर यहाँ पर लगेगा और उसका जो दूसरा वाला पॉइंट है वो हम 5 पिन सॉकेट के राइट साइड में लगाएंगे। जैसे हमें ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो ये वाला राइट साइड पे हम हमारा फेस वाला वायर लगाएंगे। देखिए, इस पे L लिखा हुआ भी है, मतलब हमें यहीं पर फेस लगाना है। गाइस, हमारा फेस लग चुका है। देखिए, जो हमारे फ्यूज़ से होते हुए एक इंडिकेटर पे गया है और वही वाले पॉइंट पे हमारा स्विच पे गया है, और स्विच से होते हुए हमारा 5 पिन सॉकेट पे जा चुका है, यानी 5 पिन सॉकेट को फेस मिल चुका है और इंडिकेटर को भी फेस मिल चुका है। अब 5 पिन सॉकेट में हम जो भी चीज़ लगाएंगे, उसको चलाने के लिए फेस और न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है, यानी हम कुछ भी चीज़ चलाते हैं उसको चलाने के लिए फेस और न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने फेस दे चुके हैं, अब हम इसके अंदर न्यूट्रल लगाएंगे। तो गाइस, हम इसमें न्यूट्रल लगाने से पहले एक वायर और न्यूट्रल वाले वायर में हमारे प्लस करेंगे, कुछ इस टाइप से हम इसमें जोड़ देंगे और उसको मिला के हम 5 पिन सॉकेट के पॉइंट पे लगा देंगे। गाइस, जो हमने वायर जोड़ा था उसको हम दूसरा वाला जो सिरा है, उस सिरे को हम लगाएंगे हमारे इंडिकेटर पे। तो हमारे इंडिकेटर को फेस और न्यूट्रल मिल चुका है, मतलब हम जब भी इसका टॉप लगाएंगे, जिसकी मेन लाइन का टॉप रहेगा, उसको लगाएंगे तो हमारा इंडिकेटर चल जाएगा। मतलब इसमें न्यूट्रल भी लग चुका है और फेस भी लग चुका है, हमारे 5 पिन सॉकेट में भी फेस आ चुका है यहाँ से और न्यूट्रल यहाँ से लग चुका है। मतलब अब हम इसमें जो भी चलाएंगे,
वो चीज़ ऑपरेट हो जाएगी। गाइस हमारा जो लास्ट वाला पॉइंट है वो है हमारा अर्थ का। जब भी लीकेज करंट होता है किसी भी चीज़ में तो हमारे अर्थ की वजह से वो ग्राउंड हो जाता है। तो हम अर्थ वाला पॉइंट जो है टॉप वाले पॉइंट में लगाते हैं, जो सबसे बड़ा पिन रहता है उसमें अर्थ लगाते हैं ऊपर वाले साइड में। पाइप पिन सॉकेट के ऊपर वाले साइड में अब हम अर्थ लगाएंगे और अर्थ लगा के फुल टाइट अच्छे से कर देंगे। गाइस ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। चलिए मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ कि वायरिंग काम कैसे करेगी। देखिए ये हमारा फेस वाला वायर है, फेस हमारे फ्यूज़ पे आया है और फ्यूज़ के सेकंड वाले पॉइंट से निकलेगा तो हमारे इंडिकेटर को भी हमारा फेस मिल जाएगा और यहीं से हमारे स्विच को भी फेस पहुँच जाएगा। जैसे ही हम ये स्विच ऑन करेंगे वैसे ही हमारा स्विच का दूसरे वाले पॉइंट पर हमारा फेस जाएगा और वो पाइप एंड सॉकेट पर चला जाएगा। मतलब पाइप एंड सॉकेट पर फेस जा चुका है। अब हम ये जो न्यूट्रल वाला वायर है देखिए ये डायरेक्ट हमारा फेस पाइप एंड सॉकेट पे लग चुका है। मतलब अब हम पाइप एंड सॉकेट पे जो भी लगाएंगे वो चीज़ चल जाएगी और यहीं से हमारा एक न्यूट्रल हमारे इंडिकेटर को मिल चुका है, मतलब इंडिकेटर भी चालू हो जाएगा। गाइस जब भी हमारे इस बोर्ड के अंदर कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर हमारे जो इक्विपमेंट हम चला रहे हैं उसमें शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा जो फेस है वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ये डिस्कनेक्ट होगा यहाँ से फेस ऊपर नहीं जाएगा तो ये लाइट भी बंद हो जाएगी। मतलब जब भी हमारा शॉर्ट सर्किट होगा तो लाइट बंद हो जाएगी, तो हम इसमें पता भी लगा सकते हैं कि ये फेस टूट चुका है, मतलब कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है। जैसे ये लाइट बंद हो तो हमको पता भी चल जाएगा कि यानी कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है। और ये हमारा अर्थ वाला वायर है तो जब भी हमारा कुछ लीकेज करंट होता है वो इससे ग्राउंड हो जाता है। चलिए मैं आपको अब इसको टॉप लगा के ऑन करके दिखाता हूँ कि इसमें पावर आती है या नहीं आती है। देखिए इसमें पावर आ चुकी है, ये आपको वीडियो की वजह से ब्लिंक करती हुई दिख रही है, वैसे रेगुलर चल रही है। मतलब अब हम इसमें जो भी चलाएंगे वो चीज़ चल जाएगी। और गाइस देखिए ये मेरा फ्यूज़ है, जैसे ही मैं इसको निकालता हूँ तो ये पावर बंद हो जाएगी। देखिए बंद हो चुकी है, मतलब जब भी हमारा फ्यूज़ डिस्कनेक्ट होगा तो हमारी लाइट बंद हो जाएगी। देखिए मैं फिर से लगाता हूँ तो लाइट हमारी ब्लिंक वापस करने लगेगी। देखिए लाइट मेरी फिर से चालू हो चुकी है। तो गाइस यही थी इसकी सिंपल सी वायरिंग। अगर इसके बारे में आपको कुछ और पूछना हो या सीखना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।